ప్యారిస్ లో పాల్గొన్న భారత క్రీడాకారులతో ప్రధానమంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जिस तरह पिछली बार तकनीकी कारणों से निराश होना पड़ा था, फिर उन्होंने जो वापसी की, अंकिता ने जिस तरह सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मनिका बत्रा और श्रीजा अकोला ने भी सबका ध्यान खींचा है. इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी रहे, खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जिस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है, स्वप्निल ने कठिनाइयों को पार कर जिस तरह मेडल जीता है, हॉकी में हमारे सरपंच साहब उनकी टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, पीआर श्रीजेश ने ये बता दिया कि द वॉल क्यों है. जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका, उस सब ने एक ही संकल्प दोहराया, ये सिलसिला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा. मैं मानता हूं इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. साथियों, हमारा भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है. मैंने आज भी वहां भी लाल किले से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में कई ऐसे एथलीट्स जो पिछले ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है. आपने वहां बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा. ओलंपिक की प्लानिंग से लेकर की वहां की व्यवस्थाओं तक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक आपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस, हमने इसको लिख कर रखना चाहिए, वो सरकार को साझा करना चाहिए, ताकि हमें 2036 की तैयारी में ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें खिलाड़ी देख करके आता है उससे, और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी. तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी हैं. आप सबको मेरी मदद करनी है ताकि हम 2036 दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके दिखाए. मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे. साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, इससे आइडियाज भी, जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है, वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते जी. और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है. आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व है. और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए. आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं बातें, उनको प्रेरित करें. खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंट्रैक्शन सेशन आयोजित करवा सकती हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ. तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, मेरे सामने शायद बोलते नहीं हैं लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग. साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी. और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूं. और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है. देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे, उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था, और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है. आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहा है. मैं आप सबसे कहूंगा, आप भी उससे जुड़े, अपनी मां को लेकर के एक पेड़ लगाइए. पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए. अगर मां नहीं है तो मां की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए. आप में से ज़्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं,
सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से है। आपने पेरिस में भी देखा है, और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया था। आप भी अपने गांव जाए तो वहाँ के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए। और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। फिटनेस की तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली है। इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए आप सब अचीवर हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अचीव नहीं किया है। और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है।